गोला थाना और क्राइम ब्रांच की संयुक्त पुलिस टीम ने मेडिकल स्टोर संचालक से लूटकांड का सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 5 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। हालांकि मौके से लुटेरों का सरगना फरार हुआ है। गिरफ्तार बदमाशों के पास से लूटी गई 6,26,000 नकदी, तमंचा, कारतूस और 3 बाइक की बरामदगी की गई है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गोला इलाके के नारायणपुर खुर्द गांव निवासी सौरभ त्रिपाठी, उरवा बाजार निवासी अभिषेक यादव, मनीष कुमार प्रजापति, गोला के भरो निवासी प्रतीक पाठक के रूप में हुई है। गोला थाने की पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने बदमाशों को दबोचा है। सोमवार को पुलिस लाइन स्थित व्हाइट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान मामले का खुलासा करते हुए डीआईजी एसएसपी जोगेंद्र कुमार ने मीडिया को बताया है कि गोला थाने के भरो रोड पर बीते 10 फरवरी को बाइक सवार 6 बदमाशों ने स्थानीय मेडिकल स्टोर संचालक से 7,00,000 की नकदी लूट को अंजाम दिया था। सनसनीखेज वारदात के बाद पुलिस ने वादी की शिकायत पर केस दर्ज किया था। साथ ही मामले के खुलासे के लिए गोला पुलिस के साथ क्राइम ब्रांच को लगाया गया था, जिस पर मुठभेड़ के दौरान गोला थाना पकवा पुल के पास मुठभेड़ के दौरान 5 शातिर बदमाशों की गिरफ्तारी की गई है। एसएसपी ने खुलासे के दौरान बताया कि दरअसल आरोपी स्कूल संचालक प्रतीक पाठक ने ही लूट की साजिश रची थी। प्रतीक के ही इशारे पर फरार गैंग सरगना अंकित यादव ने लूट कांड को अंजाम दिया था। एसएसपी ने गिरफ्तार बदमाशों पर गैंगस्टर और गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की बात कही। मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में गोला थाना प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार सिंह, क्राइम ब्रांच प्रभारी निरीक्षक सुशील कुमार शुक्ला, क्राइम ब्रांच स्वाट प्रभारी उप निरीक्षक शादिक परवेज और चंद्रभान सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहे। खुलासे के दौरान एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह और सीओ गोरखनाथ क्राइम रत्नेश सिंह मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डीआईजी एसएसपी जोगेंद्र कुमार ने कहा, बाद में बताइए पहले क्या चला। अभी साहब आप लोग संबोधित करेंगे सर, साथ ही हमारे क्या आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, क्या है, चलिए। उसके बाद जो इसमें अंजलि त्रिपाठी जो है, जो सिंधु है, उसके बुआ का लड़का है सर, पब्लिक स्कूल के नाम काम भी किया है किसके सर, मेडिकल स्टोर इसने जो 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 इसके साथ ये पाठक है, इसने काम भी किया है। 1,00,000 रुपये लिखा है, वो बात ही बता पाएगा कितना पैसा था, या क्योंकि हमने तो 7,00,000 रुपए ही इन्होंने लिखवाया था और इसमें से 6,26,000 बरामद हो गए हैं। बाकी आपको लिखेंगे, संबंधित विभाग की जांच कराएंगे कि पैसा किस चीज का था और इसमें कितना पैसा था। ये सब चीजों की जांच इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और अन्य डिपार्टमेंटों को संबंधित हम लोग लिखेंगे। इसमें ये सामने आ रहा है कि पैसा जो है इस रूट से आया, पर बस से आया, फिर गाड़ी में चलाया गया, फिर रात में पहले काउंटिंग हुई, किसकी गाड़ी का इस्तेमाल हुआ था, पैसा डाला तो पैसा नहीं, वो पैसा शुद्ध डिजाइन उससे इस्तेमाल किया उसके बाद ही ले, ठीक है इनको ले जाओ। ये फोटोग्राफ हमें बात है, आज किस गाड़ी का यूज हुआ, ये सब जांच का विषय है। जांच को पुलिस विभाग जितना लूट में होता है वो कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा ये गोला में 10 तारीख की सुबह मॉर्निंग में भोर में 5 बजे के आसपास घटना हुई थी लूट की, जिसमें मुकदमा कायम किया गया था और उसमें आज अरेस्टिंग हुई है। पुलिस मुठभेड़ में 5 लोगों को अरेस्ट किया है जिन्होंने ये घटना कारित करी है। 1 व्यक्ति इसमें भी वांटेड है, 5 लोग अरेस्ट कर लिए गए हैं। लूट के 6,26,000 रुपये बरामद किए गए हैं। 1 अदद तमंचा 315 बोर का और 1 अदद तमंचा 12 बोर का बरामद किया गया है और 3 मोटरसाइकिल बरामद की गई है, जो 2 मोटरसाइकिल उसमें से लूट करने में यूज की गई थी। धारा 395 में FIR दर्ज है और उसी में कार्रवाई की जा रही है। 307 का एक FIR दर्ज किया गया है और आर्म्स एक्ट का मुकदमा कायम किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में श्री सुशील कुमार शुक्ला, श्री संतोष कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक गोला और श्री सादिक परवेज, चंद्रभान सिंह SOG और इनकी टीम पूरी शामिल है जिन्होंने यह काम किया है। और इन पर हम गैंगस्टर की कार्रवाई करेंगे, गुंडा एक्ट की कार्रवाई करेंगे और हिस्ट्री शीट भी खोलेंगे। 1 आदमी की हिस्ट्री अभी क्रिमिनल हिस्ट्री मिली है अभी तक, बाकी की क्रिमिनल हिस्ट्री अभी मिली नहीं है।
तो क्रिमिनल हिस्ट्री के आधार पर इन पर हिस्ट्री शीट, गैंग पंजीकरण और गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी। 5 लोग अरेस्ट हुए हैं और ये सब एक साथ मिलकर के घटना कारित किए गए हैं। इनका जो छठा व्यक्ति है, एक इसमें अभी वांटेड है, जिन पे हमने 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया है। आज ही अभी रिपोर्ट आ रही है हमारे पास, तो आज ही शाम तक घोषित होगा इस पर इनाम। ये अंकित नाम है ना, अंकित यादव, ये सरगना था इस गैंग का और सूचना देने वाला व्यक्ति था जो क्या नाम है, शिंटू पाठक और प्रतीप पाठक, जिसने सूचना दी थी इन लोगों की कि ये आदमी पैसे लेता और ले जाता है। इसी आधार पर इन सब ने मिलकर के योजना बना के घटना को कारित किया है। मोटरसाइकिल जो 3 बरामद हुई है, इसके संबंध में जो आप कह रहे हैं कि इसकी हमले जाँच करा रहे हैं कि मोटरसाइकिल किसकी है और उनके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई करेंगे। सिर्फ एक ही घटना अंजाम दी इन लोगों ने, अंकित यादव ने कुछ घटना एक दो और की होगी पहले, क्रिमिनिस्ट्री है मतलब उनकी, बाकी किसी क्रिमिनिस्ट्री नहीं है। हाल फिलहाल में इन्होंने एक ही घटना करी है जिसमें लोग अरेस्ट हुए।